हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ हिरण और आज मैं आपको बताऊंगी कि छोटे बच्चों को आर्टिकल्स कैसे सिखाएं। एक्चुअली बच्चा जब एलकेजी में आता है तो सबसे पहले वो कन्फ्यूज ही हुआ रहता है कि इतनी सारी पढ़ाई करनी है। एक तो सब्जेक्ट का तो नॉलेज नहीं रहता है, ऊपर से इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल्स आ जाते हैं, तब तो और कन्फ्यूजन हो जाता है। इसी बर्डन से बच्चा जल्दी से सीख नहीं पाता। तो चलो देखते हैं कि कैसे वो आर्टिकल सीखे और उनको बच्चों को कैसे आर्टिकल सिखाए। तो सबसे पहले हमें बच्चों से वॉवेल्स, कितने वॉवेल्स होते हैं वो लर्न करवाना है कि 5 टाइप्स के वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। ऐसे ही आप डेली 2-3 बार दिन में क्वेश्चन पूछ के आप उसको लर्न करवा सकते हो कि बेटा कितने वॉवेल्स होते हैं, बोलो कितने वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। इस तरह से आपको सबसे पहले वॉवेल्स लर्न करवाने हैं। बाद में जैसे एक लिस्ट वर्ड्स का बनाना है और जो सबसे पहला लेटर होता है, जैसे बुक है तो बुक का पहला लेटर है बी, तो बी के ऊपर सर्कल करवाना है और जो फर्स्ट लेटर है वो यहाँ पे लिखवाना है। इससे क्या होगा कि कौन से फर्स्ट लेटर है उसकी उसको समझ आ जाएगी। जैसे कैट तो सी, तो सी लिखा, एप्पल का ए तो ए, बॉ का बी, गर्ल का जी, एलिफेंट का ई, इग्लू का आई, आई का ई, काइट का की। इस तरह से प्रैक्टिस करवाने से कौन सा लेटर फर्स्ट है, फर्स्ट लेटर की उसको प्रैक्टिस हो जाएगी। फर्स्ट लेटर की प्रैक्टिस हो जाने के बाद वो आसानी से ए और एन लिख सकता है, आर्टिकल्स लिख सकता है। जैसे एप्पल है तो किस तरह से ए आता है और एन आता है उसको उसकी समझ देनी है। तो एप्पल, अब 5 आवर्स तो लर्न करवाए हुए तो उसको बुलवाना है, बेटा कौन कौन से वॉवेल्स है, ए ई आई ओ यू, राइट। अब उसको फर्स्ट लेटर पे सर्कल करवाना है कि फर्स्ट लेटर पे सर्कल करो, तो बच्चा करेगा कि सर्कल ए, ठीक है। तो अब उसको पूछना है कि ए आपके वॉवेल्स में आता है या नहीं आता है, तो वो फटाक से बोलेगा कि हाँ मेरे वॉवेल्स में आता है ए। तो जब वॉवेल्स में आता है तो वहां पे एन लिखना है। फिर दूसरा वर्ड है फ्रॉग, फ्रॉग पे फर्स्ट लेटर पे सर्कल करवाना है एफ। फिर वापस उसको पूछना है कि ये आपके फर्स्ट लेटर वॉवेल्स में आता है या नहीं आता है। बच्चा फिर से वो ही लर्न किया हुआ रिपीट करेगा ए ई आई ओ यू और समझ में आ जाएगा कि एफ तो हमारे वॉवेल लिस्ट में आता नहीं है, दैट मीन्स कि ये कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के आगे हम ए लिखते हैं। इस तरह से फर्स्ट लेटर पे सर्कल करवाना है और वापस पूछना है और करवाना है, ठीक है। इस तरह से फर्स्ट लेटर पे हर एक वर्ड के फर्स्ट लेटर पे लिखना है और करवाना है। इस तरह से एन एलिफेंट, एन इग्लू, अ काइट, अ बो, अ कैट एंड एंट। इसके बाद कुछ हम एक्टिविटी करवाएंगे, जैसे मैच द फॉलोइंग। एक्टिविटी से क्या होता है कि जो भी कंफ्यूजन होता है बच्चे के माइंड में वो सारा क्लियर हो जाता है। तो हम जितनी भी एक्टिविटीज करवाए उतना बच्चों के माइंड से कंफ्यूजन दूर करते जाएंगे। तो ए और एन लिखना है और इससे बहुत सारे वर्ड्स लिखने हैं। तो ए के साथ कौन कौन से वर्ड्स आते हैं और एन के साथ कौन कौन से वर्ड्स आते हैं वो मैच करवाना है। जैसे अ सॉक्स, एन एंजल, एन आयरन, एन वैगन, अ बॉक्स एंड एंट।
फिर नेक्स्ट एक्टिविटी है ट्रू और फॉल्स। अब जितना हम उनको क्वेश्चनिंग करेंगे, एक्टिविटी करवाएंगे, उससे उसका कन्फ्यूजन और क्लियर होता जाएगा। अब बनाना है तो वो वापस सोचेगा कि ये राइट है या रॉन्ग है। अब उसको अगर सही तरीके से समझ में आ गया होगा तो वो तुरंत बताएगा कि ये राइट है, एन हाउस रॉन्ग है, अ बॉक्स राइट है, एन आंट राइट है, अ एप्पल रॉन्ग है, एन इग्लू राइट है, एन काइट रॉन्ग है, अ एलिफेंट रॉन्ग है। इस तरह से प्रैक्टिस हो जाने के बाद वो थोड़ा श्योर हो जाता है, कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि हाँ मुझे ए और एन आ गया। तो उसको और प्रैक्टिस के लिए थोड़ा और लेवल पे आगे बढ़ते हैं कि जैसे सेंटेंस लिखा है और फिल इन द ब्लैंक्स फिलअप करना है कि ही इज अ डॉक्टर, सी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल, ही इज अ पुलिसमैन, दिस इज एन एक्सपेंसिव ड्रेस। ठीक है, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस लिख के उसको प्रैक्टिस करवा सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।